नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स विद सुमन पे। हम लोग यहाँ रियल नंबर स्टार्ट किए हैं और इसका दो क्लास हो गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बेसिक बेसिक पॉइंट्स एंड इसका कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तो अभी NCERT का प्रॉब्लम हम लोग अभी कर रहे हैं, उसके बाद फिर इसको करने के बाद हम लोग आए सवाल का फिर करेंगे। तो NCERT का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एंड इसका 1, 2 हम डिस्कस किए थे। 3 टाइप डिफरेंट है, तो उसको हम लोग ये पढ़ने के बाद करेंगे, उसको एक क्लास में अलग से उस टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। जिन बच्चों के पास अभी बुक नहीं है तो वो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पे आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। 4, अगेन देखिए, फॉर सम इंटीजर एम। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर होगा कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का करेंगे तो 3 का मल्टीपल लाने के लिए या तो उसमें 3 का आना चाहिए, अदरवाइज 6, अदरवाइज 9, इस तरह का कुछ टर्म आनी चाहिए, तब वो 3 के मल्टीपल में आएगा। 2 हम लेंगे तो 2 का तो कभी 3 का मल्टीपल आएगा नहीं, उसका स्क्वायर, या हम क्यूब एक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्यूब होता है 8, तो ये सब, और इसका 4 पावर आप कीजिए तो 16 हो जाएगा। तो ये सब में से तो कोई भी 3 का मल्टीपल में नहीं आएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेट करते हैं। क्या लेट नंबर विद नंबर वी एन, लेट नंबर इज एन डिवाइडेड डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3 हम लोग यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं, डिवाइडेड बाई 2 अगर आप लोग यहाँ पे कीजिए तो वो 3 का मल्टीपल 2 में नहीं आ सकता है। 4 भी कीजिए तो उसमें भी 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, 5 भी कीजिए तो उसमें भी 3 का मल्टीपल नहीं है। आपको मालूम है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो इसमें भी 3 का मल्टीपल कोई नहीं है। तो लेट हम लोग कोई नंबर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर हम लोग उसको एन मान लिए है, ठीक है। तो एन इक्वल टू, अगर एन को 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग पढ़े थे कि किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, ए है, ए को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइजर 3 है तो क्यूसेंट क्यू आएगा, प्लस आर रिमाइंडर आएगा। इस तरह का यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़े थे। तो यहाँ पे ए को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्यूसेंट क्यू आएगा, आर कहाँ से, आर क्या क्या वैल्यू होगा बच्चों, आर यहाँ पे क्या क्या होगा, आर यहाँ पे लेस देन 3 होगा, एंड आर यहाँ पे लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे हम लोग को इसको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसी तरह से रखेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पीछे वाला रिवाइज करने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना हो। तो n इक्वल टू क्या क्या हम लोग को आ सकता है बच्चों, 3 क्यूब प्लस 0, केस फर्स्ट आप लिख सकते हैं, केस फर्स्ट 3 क्यूब प्लस 0, एंड केस सेकेंड में क्या होगा बच्चों, 3 3 क्यूब प्लस 1, रिमाइंडर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, और क्या आ सकता है, केस 3, क्या होगा रिमाइंडर, 3 क्यूब प्लस 2। तो रिमाइंडर यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ से वेरी होगा, हम लोग यहाँ पे एक बार इसको लिख साइड में लिख लेते हैं ऊपर। रिमाइंडर जो मेरा होगा वो लेस देन 3 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग पहले दो क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझ चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चा, जिनको ये सब समझने में कुछ डाउट हो रहा है थोड़ा बहुत,
तो वो पहले का दो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, ठीक है। फर्स्ट टू वीडियोज, ये थर्ड है रियल नंबर का, ठीक है। तो अब हम लोग का इसमें समझ में आ गया कि n इक्वल टू 3q, अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो 3q + 1, 3 से q डिवाइड की, इसका भी काम है आप लोग को बतलाया, ठीक है। शाम है, डाउट यहाँ पे क्लियर करते जा रहा हूँ, कुछ भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि नहीं यहाँ पे 3q लिए 4q लिए, कुछ भी 3 से इसलिए किए क्योंकि 3 के मल्टीपल में यहाँ पे है। 3q + 1, 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2। मुझे क्या बोल रहा है, हम लोग लेट नंबर इज n, हम लोग n माने हैं नंबर, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, लेट पॉजिटिव नंबर हम लोग n माने हैं, तो इसका स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है कि इसका स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा, अदरवाइज 3m + 1 के फॉर्म में ही होगा, इन्हीं दो फॉर्म में इसका स्क्वायर आ सकता है। तो करके चेक कर लेते हैं क्या होगा नहीं होगा, एन स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एन स्क्वायर इक्वल टू वाट, 3q + 0 का मतलब 3q, तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 9q² 9q² को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 × 3q² लिख सकते हैं, तो ये 3q² को हम लोग m बोल सकते हैं। m मीन्स व्हाट, m मीन्स इंटीजर गिवन है, फॉर सम इंटीजर m, यहाँ पे क्यूब कुछ भी आप लीजिएगा तो उसका स्क्वायर आप कीजिएगा इंटीजर का, तो इंटीजर ही यहाँ पे रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है तो पॉजिटिव इंटीजर का ही यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। तो 3m के फॉर्म में यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है, अभी तक तो सही है। इसका भी स्क्वायर करते हैं, 3q + 1 का स्क्वायर, a + b का स्क्वायर पे इसको आप ब्रेक कीजिए तो क्या आएगा बच्चों, a² 9q² + b² का मतलब 1 + 2ab का मतलब 2ab मतलब 6q वंस मल्टीप्लाई टू तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9q² + 6q + 1, यहाँ पे आप 3 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3q² + 2q, इन दोनों से कॉमन लिए हैं बच्चों, +1, तो क्या हो जाएगा 3, इसको हम लोग m लेट कर सकते हैं इतना को, 2q² + 2q को इतना को m लेट कर लीजिए, तो 3 × m + 1 क्या हो गया बच्चों, 3m + 1 के फॉर्म में ये भी आ गया। अब किन्हीं को डाउट हो सकता है कि यहाँ पे m कुछ और है या यहाँ पे m कुछ और है, तो ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बोला है, इसमें कुछ भी डाउट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं बोला है कि आपका जो इंटीजर होगा वो सेम इंटीजर के मल्टीपल में है, सेम m यहाँ पे कहने मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों सेम इंटीजर है, देखिए सेम इंटीजर के बारे में नहीं बोल रहा है, तो बच्चों के माइंड में ये डाउट क्रिएट हो सकता है कि हाँ यहाँ पे सेम m है तो सेम आनी चाहिए, नहीं, फॉर सम इंटीजर, तो वो इंटीजर क्या हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बस इस पैटर्न पे आनी चाहिए, इस पैटर्न एंड दिस पैटर्न एंड दिस पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए, तो यहाँ पे किया है, इसको भी चेक करते हैं, इस नंबर में जो भी पॉसिबिलिटी मेरा उन सारे को चेक करते हैं, 3q + 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, अगेन a + b का होल स्क्वायर, 9² + 4 + 2ab करेंगे तो 2 × 3 6 × 2 = 12 क्यू हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 9q² + 12q + 3 + 1 4 को लिख सकते हैं, 3 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 3q² + 4q + 1 + 1 अगेन मेरा क्या आ गया बच्चों, फिर से मेरा ये पैटर्न आ गया 3 × m, ये मेरा क्या है इंटीजर है, सम इंटीजर है, 3 × सम पॉजिटिव इंटीजर, 3 × m + 1 तो 3m + 1। तो हम यहाँ से देखें क्या हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि हम लोग किसी भी केस को ले रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, अदर या तो वो 3m के फॉर्म में आ रहा है, अदरवाइज 3m + 1 के फॉर्म में आ रहा है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि मेरा पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा
वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जो पढ़ें उसमें अधिक पढ़ें बट उसमें डाउट हो, ये नहीं करना है। समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है। इसमें एक जो मेरा क्वेश्चन है वो बचा हुआ है, वो सेकेंड टाइप का है, वो डिफरेंट टाइप का है। उसको हम लोग एक क्लास में अलग से करेंगे, उसके साथ और भी उसी टाइप का क्वेश्चन को लेकर के उसके साथ हम लोग अलग से उसको करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या बोला? 5 में बोला यूज इक्विटिविजन लेमा टू शो दैट। यूज इक्विटिविजन लेमा नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट उसके आगे का जो बात है वो लिखते हैं। टू शो दैट, क्या शो करना है? सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+1 9m+1। यहाँ पे इस तरफ लिखते हैं इसको, 9m+1, 9m+8, 9m+8। इन्हीं 3 पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए। सो दैट इक्विटी डिविजन लेमा को यूज करके आप प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ करना है बच्चों? द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। इस पैटर्न को फॉलो करनी चाहिए, ऐसा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्यूब। तो अगेन हम लोग यही वही काम करेंगे, क्या करेंगे? 2 4 5 नहीं ले सकते हैं क्योंकि उन सब का स्क्वायर क्यूब फोर्थ कुछ भी आप कीजिएगा तो वो 9 के मल्टीपल में नहीं आएगा। तो आप किस फॉर्म को ले सकते हैं? 3 6 को लेंगे तो वो उसमें केस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ केसेस अधिक हो जाएंगे। तो हम लोग 3 लेते हैं। लेट पॉजिटिव इंटीजर इज एन डिवाइडेड बाई थ्री, क्योंकि 3 का यहाँ स्क्वायर एंड क्यूब जो भी करना होगा वो करेंगे तो उसके वो 9 के मल्टीपल में आ पाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगेन 3 को लिए हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगेन इसमें क्या क्या केस हो सकता है, रिमाइंडर का केस इसमें क्या क्या होगा बच्चों? रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। बच्चा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो केस फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3q+0। केस फर्स्ट में लिखेंगे 3q+0। केस सेकेंड में क्या लिखेंगे? 3q+1। केस सेकेंड में लिखे 3q+1। केस थर्ड में क्या लिखेंगे बच्चों? केस थर्ड में 3 ही केस मेरे पास बनेगा, मिनिमम केस वाला नंबर लिए हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, कम कैलकुलेशन में हम लोग समझ पाए। तो ये मेरा आ गया 3q+1 3q+2। 3 से डिवाइड करेंगे तो यही 3 केस बन सकता है। अभी हम लोग देखे थे पिछला जो मेरा सवाल था वो भी सेम, उसमें भी सेम नंबर हम लोग लेट किए थे क्योंकि उसमें भी 3 का मल्टीपल चाहिए था। तो यहाँ पे अब इसका क्या बोल रहा है? क्यूब, सो दैट द क्यूब इस नंबर जो हम लोग नंबर लेट किए हैं 3q 3q+1 एंड 3q+2,
यहाँ पे एन है जो मेरा 3 क्यूब है, एंड 3 क्यूब प्लस 1 है, 3 क्यूब प्लस 2 है, ये किस फॉर्म में आनी चाहिए? क्यूब आफ्टर क्यूब, आफ्टर आफ्टर क्यूब करने के बाद किस फॉर्म में आनी चाहिए? तो 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8, हम लोग करते हैं इसको क्यूब। तो 3 क्यूब का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 27 क्यू का क्यूब। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे? 9 × 3 क्यू का क्यूब। तो ये मेरा 9, इसको हम लोग एम लेट करेंगे तो 9m के फॉर्म में यहाँ पे ये मेरा आ गया, इस पैटर्न पे आ गया। अब इसको क्यूब करेंगे तो ए, इसका हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब लिखता हूँ, तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं आप लोग को कितना बार बतला चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास में, फिर से आप जिनको मालूम नहीं है वो लिख लीजिए। a+b का होल क्यूब यहाँ पे करेंगे तो ए क्यूब होगा बच्चों, ए क्यूब होगा, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 क्यू का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब करेंगे तो बी के जाते 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b, 3a²b करेंगे तो 3 × a², एस ए के जाते क्या 3 क्यूब, 3 क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर × 3, 27 क्यू स्क्वायर, 3a²b, बी के जाते 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा, एंड 3ab², 3ab², तो 3a से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 × 3 9 क्यू, एंड × b², यहाँ पे × b² कीजिए तो 1 का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो ये आपका जिनको मालूम नहीं है a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो वो लिखे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, a³ + b³ + 3a²b प्लस 3ab², ठीक है? यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं, a+b का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b प्लस 3ab², इसी पे मैं इसको ब्रेक किया हूँ, क्लियर है बच्चों? एंड हम लोग यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं, आप इसको लिख लिए होंगे, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ। तो यहाँ पे इसको प्रोसीड करते हैं, क्या लिखेंगे? 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, लास्ट में 1 रखते हैं, यहाँ पे क्या 9 कॉमन आएगा? बिल्कुल आएगा, 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? क्यू प्लस 1, ये क्या आ जाएगा? 9। इतना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सम इंटीजर, वेयर, आगे कुछ लिखा हुआ होगा, वेयर एम क्या है? वेयर एम है सम इंटीजर, तो 9m+1, यहाँ इसको 9 के मल्टीपल में है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव इंटीजर है, 9m+1। अब हम लोग इस पे आते हैं, तो 3q+2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगेन उसी पे ब्रेक करेंगे, a³ का मतलब 27 क्यूब का क्यूब प्लस b³ का मतलब क्या होता है बच्चों? 8। b³ का मतलब इसको लास्ट में लिखेंगे, a³ + b³, ठीक है, लिख लेते हैं इसको 8, a³ + b³ + 3a²b, 3a²b, 3 × a², a स्क्वायर का मतलब 3 क्यू का स्क्वायर का मतलब होता है 9q² × 3, 27q² 3a²b, 2 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 27q² भी क्या हो जाएगा? 54 q², क्लियर है? 3a²b 54q² हो गया, एंड 3ab², 3ab² 2 का स्क्वायर 4, देखिए आप लोग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 3 × 3 9, 9 × 4 36 क्यू प्लस 8 + b का क्यू, क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अगेन हम लोग 9 कॉमन नहीं, कॉमन यहाँ पे लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा? यहाँ पे बच जाए आपका 3 क्यूब का 3 क्यू का क्यूब प्लस
यहाँ पे 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8, 8 को तो हम लोग कुछ किए नहीं, 8 को इसीलिए हम लोग लास्ट में रखे थे, तो कॉमन बिल्कुल सही लिए हैं। 9 इंटू इसको हम लोग क्या लेट करते हैं, m सम पॉजिट सम इंटीजर, इसको हम लोग सम इंटीजर लेट किए प्लस 8, तो 9m+8 के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग इसको प्रूफ कर पाए कि हम लोग किसी का क्यूब लेंगे तो वो किस किस फॉर्म में होगा, 9m के फॉर्म में, अदरवाइज 9m+1 के फॉर्म में होगा, अदरवाइज 9m+8 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा, इसमें कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ये समझना था कि हम लोग को किससे कौन सा नंबर लेट करना है एंड किस तरह से इसको डील करना है। तो इसको अच्छे से हम लोग डील किए बच्चा, फिर इसका जो डिफरेंट पार्ट है, जो 3 नंबर इसका बचा हुआ है, उसको हम लोग और भी कोई एग्जांपल के साथ लेकर के अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस बच्चा, हैव ए ग्रेट डे।